तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.4। जो 4.3 है वो आपकी सिलेबस से रिलेटेड है इस साल, तो इसलिए हम आपको डायरेक्ट 4.2 के बाद 4.4 करा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको 4.2 कराई थी, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम आपको बेसिक बता देते हैं इस एक्सरसाइज का। तो बेसिक क्या है? बेसिक है आपका ये, जैसे ये एक इक्वेशन हम यहाँ से देख कर रख देते हैं एग्जाम्पल के लिए। रुक जाइए, जैसे यह है एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू में 0, ठीक है। तो जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी जो हमने एक्सरसाइज 4.2 में कर, वो हर क्वेश्चन पे एप्लीकेबल नहीं होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसलिए ही आपका आया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब उसमें जो टर्म होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसे आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसे आप डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यदि जब आप ये डी की वैल्यू निकालते हैं, यदि ये डी की वैल्यू आपकी, जैसे मान लीजिए डी की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो आपके रियल रूट्स होंगे, रियल रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि जो आपके एक्स की वैल्यूज आएंगी वो रियल आएंगी, यानी जैसे मान लीजिए 1 आ जाए, 2 आ जाए, और वो डिस्टिंक्ट होंगे, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक्स की दोनों वैल्यूज सेम आए, कि ये भी बना गई ये बना गई, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों वैल्यूज अलग होंगी एक दूसरे से, और दोनों ही हमारी रियल होंगी, यानी कि पॉइंट वाली वैल्यूज या अपॉन में जैसे रूट टू है, तो इस तरह की वैल्यू, ठीक है, सिंपल वैल्यूज आएंगी, ठीक है। यदि आपका d इक्वल टू 0 है, यानी ये वैल्यू आपकी 0 आ गई, तो इसका मतलब होगा इक्वल एंड रियल रूट्स, यानी समझिए दोनों रूट जो होंगे, यानी दोनों एक्स की वैल्यू वो इक्वल होंगी और रियल होंगी। रियल का मतलब 1, 2, 3 इस तरीके से कुछ भी हो सकता, और इक्वल का मतलब है एक 2 आएगी तो दूसरी भी 2 आएगी, ठीक है, दोनों सेम होंगे। एंड यदि आपकी डी की वैल्यू 0 से छोटी, यानी ये निगेटिव में आ जाती है पूरी वैल्यू, तो जो हमारी वैल्यू जो रूट्स होंगे उसके बारे में क्या कहना है, तो वो नो रियल, यानी कि उसके कभी भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। कुछ अजीब सी वैल्यू आएगी जिसे आप सॉल्व भी नहीं कर सकते, उसे हम कहते हैं नो रियल रूट्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक है इस एक्सरसाइज का, तो आप इसे समझ पाए होंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको ये एग्जाम्पल भी दिया था, इसके अनुसार हम आपको ये बता भी देते चलें। बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3 एंड सी की वैल्यू आपकी -4। इसमें पुट कर दीजिए डी इक्वल में बी स्क्वायर, यानी -3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में ए की वैल्यू 1 इंटू में सी की वैल्यू -10। देखिए 3 का स्क्वायर 9, माइनस में ये प्लस हो गया, प्लस का 14, तो ये आ गया आपका 49, यानी ये जो डी की वैल्यू आई है ये आई आपकी 49, जो कि 0 से बड़ी है, यानी इसके रियल रूट्स होंगे। एक्स की वैल्यू जो होंगी वो दोनों रियल होंगी और दोनों एक दूसरे से अलग होंगी, सेम नहीं होंगी। मान लीजिए डी इक्वल टू 0 आता तो दोनों वैल्यूज सेम होती और रियल होती, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4.4 का क्वेश्चन नंबर, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला गया है कि नेचर ऑफ रूट फाइंड करिए, यानी कि भाई कि रियल है कि रियल नहीं है, कि कैसे क्या है, ये हमने आपको बेसिक में बता दिया अभी। और यदि वे रियल हैं तो उन्हें फाइंड करिए, ये बोला गया, ठीक। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए हमें क्या क्या गिवन है, इक्वेशन है 2x² में -3x प्लस में 5 इक्वल टू में 0, हमें ये इक्वेशन दी है। तो
तो आइए हम इसका पहले चेक कर लेते हैं कि रूट कैसे कैसे हैं, यानी उसे हम बोलते हैं रूट्स ऑफ नेचर, नेचर ऑफ सॉरी। तो डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इससे हमें नेचर ऑफ रूट पता चलता है, ठीक है। तो देखिए डी इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए हम पहले वैल्यूज लिख देते हैं, ए की वैल्यू यहाँ पर 2 है, बी की वैल्यू यहाँ पर माइनस 3 है, एंड सी की वैल्यू यहाँ पर 5 है, ठीक। देखिए इसमें पुट करिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 5। तो देखिए 3 का स्क्वायर 9, माइनस में 4 2 जा 8, 5 जा 40 हमारा। तो ये आपका आ गया माइनस के 31। ये आपका डी जो वैल्यू आई है ये 0 से छोटी है, यानी कि इसके रूट जो होंगे वो रियल नहीं होंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे नो रियल रूट्स, ठीक है। उन्होंने बोला था क्वेश्चन में फाइंड करिए नेचर ऑफ रूट्स, रूट कैसे हैं, तो नो रियल रूट्स, रूट जो है वो रियल नहीं है, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। और रियल होते तो हम इसके फाइंड करते कि एक्स वैल्यू क्या है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका पार्ट सेकंड है, तो देखिए उसमें हमें इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर माइनस में 4 अंडर रूट 3 x प्लस में 4 इक्वल टू में 0, हमें ये गिवन है इक्वेशन, ठीक है, हमें ये इक्वेशन गिवन है। तो अब हम ये चेक करते हैं कि इसके रूट्स कैसे हैं। तो पहले b की वैल्यू निकालते हैं, पहले हम लिख लेते हैं a b की वैल्यू, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है माइनस के 4 रूट 3, एंड हमारी c की वैल्यू है 4, ठीक है। तो अब यहाँ पे पुट करिए, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है आपकी 4। तो देखिए d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हमने वैल्यूज पुट कर दी। तो देखिए अब इसको आप स्क्वायर करेंगे तो कोई भी वैल्यू निगेटिव हो या पॉजिटिव, स्क्वायर हमारा पॉजिटिव ही आता है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16 इंटू में रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका खाली 3, एंड माइनस हट जाता है जब स्क्वायर होता है, माइनस 4 3 जा 12, 4 जा 48, 16 3 जा 48 माइनस 48। तो आपकी जो ये डी की वैल्यू आ गई वो आपकी आ गई 0। तो जब डी की वैल्यू 0 होती है तो आपके रूट जो होते हैं वो इक्वल और रियल होते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे इक्वल एंड रियल रूट्स। तो इस तरीके से हमने इसके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो अब हम फाइंड करते हैं कि रूट्स होंगे क्या, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया कि यदि रियल है तो फाइंड कीजिए। तो देखिए हमारी डी की जो वैल्यू आ गई है यहाँ पे 0 आ गई। तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू में माइनस ऑफ बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, डी की वैल्यू वही 4, बी स्क्वायर माइनस 4a, डी की वैल्यू हमारी आ गई है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू है माइनस के 4 अंडर रूट 3, ठीक है। ये माइनस फॉर्मूले का है एंड ये माइनस बी का है, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट बी की वैल्यू है 0 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब तो आप देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये बचा 4 रूट 3 अपॉन में ये सब 0 खत्म अपॉन में 6, आप इसे डिवाइड कर लीजिए तो ये बचा 2 रूट 3 अपॉन में 3, इसे हमने 2 से डिवाइड किया इसे भी, तो ये बचा एंड ये ही हमारा आंसर होगा। क्योंकि इक्वल रूट्स हैं तो यानी कि दोनों एक्स की वैल्यू जो होंगी वो यही होंगी और रियल होंगी। देखिए आप एक रियल नंबर आया है, ये कोई इमेजिनरी नंबर नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने इसका सेकंड पार्ट करा, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की।
अब देखिए इसका जो आंसर है बुक में वो दे रखा है 2/√3, एंड हमारा आया है 2√3/3। तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि वैल्यू तो अलग कैसे, तो देखिए इसे या आप सिंपलीफाई करके यहाँ ला सकते हैं, लेकिन आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। देखिए जब आप इसे सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, अपॉन में 3√3 को आप लिख सकते हैं √3 × √3, ठीक है। तो इस रूट से एक रूट कट गया तो आपकी वैल्यू आ गई 2/√3। तो इस तरीके से बुक से आंसर आपको मैच करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई वैसी बात है नहीं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। -(6x+3)= में 0, हमें एक ही बनाना है। तो देखिए अब हम यहाँ पे पहले निकालते हैं बी। बी के लिए पहले हम ए बी की वैल्यू रख लेते हैं, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू है -6 एंड सी की वैल्यू आपकी 3 है। तो d=b² यानी -6² -4 × a की वैल्यू 2 × c की वैल्यू 3, ठीक है। तो आप देखिए d = -6² + 36, 4 × 2 = 8, 3 = 24। तो d की वैल्यू आपकी आ गई 12। तो ये आपकी जीरो से बड़ी है, तो इसलिए रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और दोनों रूट्स अनइक्वल होंगे या डिस्टिंक्ट होंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो आप यहाँ लिख देंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि रूट्स रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट भी होंगे, यानी दोनों रूट्स सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो आइए हम उन्हें फाइंड करते हैं। डी की वैल्यू हमारी आई है 12। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं एक्स माइनस के बी, बी की वैल्यू है -6 प्लस माइनस √d, डी की वैल्यू हमने पहले से निकाल ली है 12 अपॉन में 2 × में ए की वैल्यू है 2। तो देखिए माइनस माइनस प्लस का 6 प्लस माइनस √12 अपॉन में 4 आ गई, ठीक है। तो हम इसे इरेज कर देते हैं, आई होप कि आपने ये टाइप कर लिया होगा। तो देखिए अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, √12 को आप कैसे लिख सकते हैं। तो हम अपने मार्कर में इंक डाल लेते हैं, एक मिनट रुकिए। तो देखिए √12 जो ये है, इसे आप कैसे लिख सकते हैं ये बताइए। इसे आप लिख सकते हैं √3 × 2 × में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, 3 × 2 = 6 × 2 = 12 आएगा ये। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, तो 2 आप बाहर ले आइए, क्योंकि किसी का पेयर बन जाता तो आ जाता बाहर। तो 2 ये बचा 3, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो यहाँ √12 की जगह आप पुट कर दीजिए प्लस माइनस, उसकी वैल्यू आई है √12 की 2√3/4, ठीक है। तो देखिए हम इसे कर देते हैं ये। अब यहाँ से आप क्या करिए, देखिए प्लस माइनस का मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपको एक बार प्लस में लेनी है, एक बार माइनस में। तो एक्स की वैल्यू 2 आएंगी, 6 प्लस में 2√3/4, एंड सेकंड वैल्यू आएगी x = 6 − 2√3/4, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब यह है कि एक बार प्लस में एक बार माइनस। अब देखिए आप यहाँ से ले लीजिए 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचा 3 + √3 बचा,
एन अपॉन में बचा, तो टू से फोर डिवाइड हो गया टू टाइम, तो एक्स की जो आपकी वैल्यू आ गई वो आ गई थ्री प्लस रूट थ्री बाय टू। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ भी करिए, एक्स इक्वल टू में टू कॉमन लिया, आपका हो गया थ्री माइनस रूट थ्री अपॉन में फोर, ये डिवाइड होकर आपका आ गया थ्री माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन में फोर नहीं टू। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर क्लियर तरीके से। दोस्तों हमने इस एक्सरसाइज के यानी 4.4 के क्वेश्चन 1 को कवर किया, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 2 को कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।